नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं अनुज कुमार। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। जिस राजीव भवन की नींव रखी वहां दिए अंतिम दर्शन, फूट फूट कर रो पड़े नेता। सुबह 9 बजे रिज मैदान पर हजारों की संख्या में वीरभद्र के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। कांग्रेस का उच्च स्तरीय राष्ट्रीय दल कल वीरभद्र सिंह को देगा अंतिम श्रद्धांजलि। जेपी नड्डा बोले, वीरभद्र का जाना राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वीरभद्र सिंह के निधन पर प्रकट की संवेदनाएं। कोविड महामारी से 198,441 मरीज हुए स्वस्थ, 3,470 की मौत। हिमाचल में धीमा पड़ा मॉनसून पकड़ने लगा रफ्तार, कसौली में 103 मिलीमीटर बारिश दर्ज। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी आज अपने नेता के अंतिम दर्शन करने राजीव भवन पहुंचे। यह वही भवन है जिसका नाम राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है, और यह वही भवन है जिसकी नींव वीरभद्र सिंह ने खुद रखी थी। आज इसी भवन में पूर्व मुख्यमंत्री का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। राहुल गांधी ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाया। जिस पार्टी कार्यालय की नींव वीरभद्र सिंह ने रखी थी, आज वहां से उन्हें अंतिम विदाई दी गई। प्रदेश भर से आए कांग्रेस के नेताओं और वर्करों के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी उनको विदाई देने के लिए यहां पहुंचे। राहुल गांधी ने परिवार के सदस्यों के साथ मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि पूरी कांग्रेस उनके परिवार के साथ है। रिज मैदान पर आखिरी दर्शन के लिए लाए गए वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में रखा गया। यहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी दोपहर 1 बजे के बाद पहुंचे, जिन्होंने वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शन कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। ऐसा कोई क्षण नहीं आया जब राजा वीरभद्र सिंह को याद कर कोई रोया ना हो। जो भी दर्शन करने आता वही भावुक होकर रोने लग जाता। अपने महबूब नेता के अंतिम दर्शन करके लोग उनके साथ बिताए लम्हों को याद कर स्मृतियों में खो जाते हैं। शुक्रवार को सुबह 9 बजे रिज मैदान पर जब राजा वीरभद्र सिंह का पार्थिव शरीर लाया गया, उस समय हर कोई भावुक हो गया। राजा साहब, आप सदियों तक अमर रहें। आप राजा नहीं फकीर हो, हिमाचल की तकदीर हो। शेर आया हिमाचल का शेर आया। हर तरफ इन नारों को लगाकर हर कार्यकर्ता व नागरिक अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। चंद मिनट ही हुए थे कि वीरभद्र सिंह का पार्थिव शरीर रिज मैदान पर रखा ही था कि रिज से लेकर लक्कड़ बाजार की तरफ लंबी लाइन लग गई। बुजुर्ग, युवा, महिलाओं ने उमस भरी गर्मी में राजा के अंतिम दर्शन के लिए घंटों लंबी लाइन में इंतजार किया। यही नहीं, 85 साल के बुजुर्ग भी ये कह रहे थे कि राजा के अंतिम दर्शन ही आखिरी हैं। ऐसे में वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं। ज्यादातर सिरमौर जिला से पहुंचे मजदूर वर्गों की आंखें भी नम थी। सिरमौर जिला के यह मजदूर लाइन के सबसे अंत में खड़े होकर सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि कब वो अपने अन्नदाता के अंतिम दर्शन करेंगे। 11:30 बजे तक भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे लोगों की लाइन खत्म नहीं हुई। इस स्थिति में प्रशासन द्वारा 11:40 पर राजा के पार्थिव शरीर को जैसे ही राजीव भवन के लिए उठाया गया तो सैकड़ों लोगों की आंखें नम हो गई। लाइन में खड़े लोगों को मलाल रहा कि वो आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाए। हालांकि फिर भी उनके चाहवान उन्हें अंतिम बार देखने के लिए उनके पार्थिव शरीर के साथ बड़े जन सैलाब के साथ निकल गए। हजारों की संख्या में प्रदेश की जनता ने रिज में विक्ट्री टनल और कांग्रेस भवन के लिए करीब 3.5 किलोमीटर तक सफर पैदल ही तय कर दिया। इसी बीच नारे लगते रहे, हिमाचल का शेर आया। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह न केवल हिमाचल बल्कि पूरे देश में अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाते थे। आज कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए अपना एक 4-सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल नामित किया है, जो कल रामपुर बुशहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से उनके अंतिम संस्कार में भाग लेगा।
कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए अपना एक 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल नामित किया है, जो कल रामपुर बुशहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनके अंतिम संस्कार में भाग लेगा व कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल, अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य आनंद शर्मा व प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला, जो पिछले 2 दिनों से शिमला में ही हैं, उनको शामिल किया गया है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने बताया कि कल रामपुर बुशहर में वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव संजय दत्त, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित सभी विधायक, पूर्व विधायक व पार्टी पदाधिकारी वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार में विशेष तौर पर भाग लेंगे। हर किसी ने अपने ही अंदाज में याद किए कांग्रेस दिग्गज व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। देखते हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कहा। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने उन्हें अंतिम विदाई दी। उनके साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनकी कैबिनेट के मंत्रियों का पूरा कुनबा यहां पर मौजूद था। नड्डा ने कहा, वीरभद्र सिंह एक ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने विकास की राजनीति का पाठ पढ़ाया। उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जगत प्रकाश नड्डा सुबह दिल्ली से हवाई मार्ग द्वारा शिमला के अन्नाडेल गए थे, वहां से वह रिज मैदान पहुंचे। नड्डा ने अंतिम दर्शन किए और श्रद्धा सुमन अर्पित कर वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी। उनके परिजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन पर संवेदनाओं का सिलसिला जारी है। आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी दिवंगत नेता को याद करते हुए अपनी संवेदनाएं प्रकट की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा है कि वीरभद्र सिंह के निधन से उन्होंने अपना एक साथी खो दिया। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह एक कुशल प्रशासक और गंभीर राजनीतिक विश्लेषक थे, जो राजनीति पर अपनी मजबूत पकड़ रखते थे। मनमोहन सिंह ने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदना भेजी है। हिमाचल प्रदेश में अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हर वक्त दी गई हिदायतों का पालन करना ही सबके हित में है। देखते हैं ये रिपोर्ट। राज्य में अब तक कुल 25,43,840 लोगों का कोविड-19 परीक्षण किया जा चुका है, जिनमें से 2,03,245 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। राज्य में इस महामारी से अब तक कुल 1,98,441 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और प्रदेश में पॉजिटिव मामलों की संख्या अब 1,307 रह गई है। कोविड महामारी के कारण राज्य में कुल 3,470 मौतें दर्ज की गई हैं। इनमें 11 लोगों में ब्लैक फंगस पाए जाने के कारण मौत हुई है। इनमें से 5 लोगों की जिला कांगड़ा में, 3 लोगों की हमीरपुर में, 2 लोगों की जिला शिमला में और 1 व्यक्ति की मौत जिला सोलन में दर्ज की गई है। जिला कांगड़ा इस महामारी में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। जिला में कुल 46,012 कोविड के मामले पाए गए हैं, जिनमें से 44,807 स्वस्थ हो गए हैं, जबकि 1,033 लोगों की इस महामारी से मौत हुई है। उन्होंने कहा कि जिला मंडी दूसरा सबसे अधिक प्रभावित जिला है, जहां पर कोविड-19 के 27,332 पॉजिटिव मामले पाए गए हैं और 393 लोगों की मौत दर्ज की गई है। सरकार क्या कर रही है, इसकी पारदर्शिता भी होनी ही चाहिए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अब तय किया जाएगा कि राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड में अब हरेक काम के लिए ऑनलाइन टेंडर किए जाएंगे। देखते हैं ये रिपोर्ट। राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड में अब हरेक काम के लिए ऑनलाइन टेंडर किए जाएंगे। पहले ऑनलाइन टेंडर के साथ हार्ड कॉपी देने का भी प्रावधान था, जिसमें कई तरह की दिक्कतें पेश आ रही थी, परंतु अब बिजली बोर्ड ने फैसला लिया है कि भविष्य में सभी टेंडर ऑनलाइन होंगे, जिसके लिए दफ्तरों के चक्कर अब नहीं काटने होंगे। बिजली बोर्ड जो भी टेंडर करेगा उसे ऑनलाइन करने के साथ अर्नेस्ट मनी भी ऑनलाइन ही बोर्ड के बैंक खातों में जमा की जाएगी। इस तरह का निर्णय बोर्ड में लागू कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले सभी मुख्य सेवाओं को भी ऑनलाइन किया गया है, जिसमें उपभोक्ताओं को बड़ी राहत बिजली बोर्ड की तरफ से दी जा रही है। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश में धीमा पड़ा मॉनसून रफ्तार पकड़ने लगा है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है।
कसौली में सबसे ज्यादा 103 मिलीमीटर बारिश हुई है। नूरपुर व धर्मपुर में भी 60 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत प्रदेश में आगामी 4 दिनों में भी भारी बारिश होगी। विभाग द्वारा 13 जुलाई तक भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। 14 व 15 जुलाई को भी अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में शुक्रवार को दिन का समय साफ बना रहा। धूप के खिलने से दिन के समय लोगों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ा। ऊना का तापमान अभी भी 40 डिग्री चल रहा है। बिलासपुर, भुंतर, कांगड़ा व हमीरपुर में भी जनता को भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत प्रदेश में 13 जुलाई तक भारी बारिश होगी। इसके लिए विभाग द्वारा येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जबकि 14 व 15 जुलाई को भी अनेक स्थानों पर बारिश होगी। और अब चलते चलते जवाली के सोहड़ा में कुएं में मिले 16 रोंद, सिक्के और उर्दू में लिखे पत्र, गांव में फैली सनसनी, पहुंची पुलिस। हमीरपुर में लड़की ने युवक को जड़े थप्पड़, आपसी कहासुनी के बाद तनावपूर्ण हुआ माहौल। ऊना के बंगाणा में नशा खिलाकर युवती को बनाया शिकार, बहन के देवर ने किया दुष्कर्म। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9:30 बजे। देखना ना भूले शिमला से हमारा विशेष प्रसारण।